आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 147वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी उनके समाधि स्थल पहुंचे, वहां उनको श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। गांधी जयंती पर आज भारत पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करेगा और इसी के साथ पेरिस समझौते को लागू करने वाले प्रमुख देशों में भारत का नाम शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर को समझौते को लागू करने के भारत के इरादे का ऐलान किया था। इसके बाद 28 सितंबर को कैबिनेट ने मुहर लगाई, फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस पर दस्तखत किए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज से सभी राष्ट्रीय स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में पॉलीथीन बैन हो गई है। इन जगहों पर प्लास्टिक बोतल्स में पानी ले जाया जा सकेगा, लेकिन इस्तेमाल के बाद बोतल्स को रिसाइकल बिन्स में डालना जरूरी होगा। एक महीने बाद इस फैसले की समीक्षा होगी और जरूरी हुआ तो स्मारकों को साफ सुथरा रखने के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देश में 65,250 करोड़ के काले धन का पता चला है। मोदी सरकार की इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम को बम्पर रिस्पांस मिला है। इस योजना के तहत 4 महीने में 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ के काले धन का खुलासा किया है। इस योजना में सरकार को करीब 30,000 करोड़ का फायदा हुआ है। देश की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू हो गई है, जहां 5 लाख से करोड़ के मोबाइल एयरवेव्स की नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम सेवाओं के लिए अहम स्पेक्ट्रम्स की इस नीलामी में रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन अलग अलग ब्रांड्स के स्पेक्ट्रम्स पर 53,531 करोड़ की बोली लगी। चीन ने एक बार फिर जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लगने से बचा लिए। चीन ने कहा कि उस तकनीकी रोक को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से मसूद पर प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिल सकी। सोमवार को तकनीकी रोक की मियाद खत्म हो रही थी, जिसके बाद मसूद अजहर पर प्रतिबंध लग जाता। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का पानी रोक दिया है। यालुंग जेंगबो नाम की इस नदी पर चीन एक बिजली परियोजना की शुरुआत कर रहा है। चीन के इस कदम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पानी की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। बांग्लादेश के कई इलाकों पर भी चीन की इस हरकत का असर हो सकता है। चीन ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब उरी हमले के बाद भारत पाकिस्तान से सिंधु समझौते की समीक्षा कर रहा है। भारत बनाम न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की पहली पारी में 128 रनों पर 7 विकेट गिर चुके हैं। भारत ने पहली पारी में 316 रन बनाए हैं। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 33 रन देकर 5 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट में चौथी बार उन्होंने 5 विकेट हासिल किए। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए लोढ़ा कमेटी की कई सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने एक राज्य एक वोट, 70 साल की उम्र सीमा, सिर्फ 3 सेलेक्टर्स रखने और 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी अहम सिफारिशें शामिल हैं।
हालांकि बीसीसीआई ने एपेक्स काउंसिल बनाने और उसमें सीएजी के सदस्य को रखने और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल बनाने समेत लोढ़ा कमेटी के कुछ सुझावों को स्वीकार भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने का आदेश दिया था। ऐसे में बीसीसीआई के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना सकता है। कावेरी के पानी के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद कर्नाटक अपने रुख पर अड़ गया है। तमिलनाडु को रोजाना 6000 क्यूसेक पानी देने के फैसले पर चर्चा के लिए सोमवार को कर्नाटक विधानसभा की बैठक बुलाई गई है। कर्नाटक ने कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर भी सवाल उठाए। सोमवार को कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी डालेगा। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने वाले डीजीएचएस यानी स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक तरुण सिंह को एलजी नजीब जंग के आदेश पर हटा दिया गया है। इस पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल ईमानदार अफसरों को योजनाबद्ध तरीके से हटा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तरुण सोम को डेंगू और चिकनगुनिया की जागरूकता फैलाने में लापरवाही बरतने पर हटाया गया। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग में जान गंवाने वाले दोनों दमकल कर्मियों के शव मिल गए हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। दमकल कर्मी सुनील और मजीब फंसे हुए मजदूरों को निकालने गए थे, तभी इमारत का एक हिस्सा गिर गया था। दिल्ली सरकार ने दोनों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली के मयूर विहार में एक रिटायर्ड पायलट ने पहले अपने परिवार पर फायरिंग की, फिर खुद को गोली मारकर जान दे दी। 61 साल के लन कुमार सिंह को 7 साल पहले मेडिकल अनफिट होने पर पायलट के पद से हटा दिया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में बुजुर्गों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऐप तैयार की है, जिस पर सीनियर सिटीजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलने पर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल रूम उनसे संपर्क करेगा। अगर शिकायतकर्ता किसी मुसीबत में है और फोन नहीं उठा सका तो जियो कोड से उसकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी। बीट कांस्टेबल सीधे वरिष्ठ नागरिक से संपर्क करेगा। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि सलमान खान की फिल्मों को बहिष्कार होना चाहिए। राज ठाकरे सलमान खान के उस बयान के खिलाफ है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन का विरोध किया था। राज ठाकरे ने धमकी दी है कि वो पाकिस्तानी कलाकारों वाली किसी भी बॉलीवुड फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सलमान खान को घर के अंदर बंद करके रखा जाना चाहिए। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आखिरकार सामना में मराठा मोर्चा के खिलाफ छपे कार्टून को लेकर माफी मांगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सामना में जो कार्टून छपा उसके पीछे कोई मकसद नहीं था, लेकिन इससे किसी का दिल आहत हुआ तो वो माफी मांगते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसैनिक कभी किसी महिला का अपमान नहीं कर सकता। नवी मुंबई में 21 सितंबर को टैक्सी ड्राइवर पर कातिलाना हमला कर उसकी टैक्सी छीनने के मामले में नया खुलासा हुआ। गिरफ्तार हुए 3 आरोपियों ने बताया कि टैक्सी एक व्यापारी को अगवा करने के लिए छीनी गई थी। मुंबई के दादर स्टेशन पर भीड़भाड़ कम करने के लिए 4 नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। प्लेटफॉर्म बनने के बाद सेंट्रल रेलवे के दादर स्टेशन पर स्लो और फास्ट ट्रेन के लिए 2 डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स होंगे, जबकि 2 प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस ट्रेन के लिए होंगे। शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट को दान पेटी में 2 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। ये मेडल पंजाब के फिलापुर में 2014 में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में विजेता रहे लोगों को दिए गए थे। साईं शिरडी संस्थान के ट्रस्ट ने इन मेडल्स को वापस इनके विजेताओं के पास भेजने का फैसला किया। आज योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का स्वराज अभियान राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करेगा। 31 जुलाई को 2 दिनों के अधिवेशन के दौरान स्वराज अभियान की ओर से वैकल्पिक राजनीति का वादा किया गया था। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को अरविंद केजरीवाल के विरोधी के चलते आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से अवैध जमीनों पर बनी धार्मिक इमारतों को 31 दिसंबर से पहले गिराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से इमारत गिराए जाने में शामिल होने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट से 5 अप्रैल से लागू रहे शराबबंदी कानून को गैर कानूनी ठहराए जाने के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। शराबबंदी को लेकर बिहार में आज नया कानून लागू हो रहा है। ये कानून पहले ही विधानसभा और विधान परिषद से पास है और राज्यपाल उस पर दस्तखत कर चुके हैं। जम्मू में एक रैली का आयोजन किया गया जहां भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक की लोगों ने जमकर सराहना की, देशभक्ति के नारे लगाए। रैली में शामिल लोगों ने पीओके और
बलूचिस्तान को पाकिस्तानी कब्जे से आजाद करवाने की भी मांग की है। झारखंड में रामगढ़ के गारे गांव में आज से किसान कोयला सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। आंदोलन कर रहे किसान कोयले को साइकिल और बैलगाड़ी में ढोकर प्रशासन के दफ्तरों में रखेंगे। इस गांव के किसान साल 2012 से लगातार हमारी जमीन हमारा कोयला की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने अपोलो अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात की। राज्यपाल ने मुलाकात के बाद बताया कि सीएम की हालत में सुधार हो रहा है। 22 सितंबर को बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद जयललिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। त्यौहार के मौसम में धार्मिक स्थलों पर आतंकी हमले के अलर्ट के बाद जम्मू के माता वैष्णो देवी मंदिर और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कटरा से मंदिर तक की सुरक्षा में सुरक्षा बलों के 4 अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है। नवरात्र के दिनों में माता वैष्णो देवी आने वाले भक्तों की तादाद यहां काफी बढ़ जाती है। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला की मौत के बाद रिश्तेदारों ने शव के साथ हंगामा किया। महिला के परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई। महिला प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी जहां उसकी मौत हो गई। मृतक रिश्तेदार आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिमला के रिज मैदान में एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने किया। कार्यक्रम में हिमाचल के सीएम समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। देश भर में नवरात्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुंबई समेत गुजरात में गरबा और डांडिया की शुरुआत हो चुकी है। बोरीवली के कोरा केंद्र ग्राउंड में शाम 7 बजे से 10 बजे तक लोगों ने गरबा खेला। इस मौके पर एक जोड़े को फर्स्ट प्राइज भी दिया गया। महात्मा गांधी की जयंती पर आज देश के 1,00,000 गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जाएगा। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों में संतोषजनक सफलता मिली। आंकड़ों के मुताबिक 2 अक्टूबर 2014 को जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का कवरेज 42.12% था, 2016 में बढ़कर 55.30% हो गया है। साल 2014 में देश का सिर्फ एक जिला ओडीएफ था जिसकी संख्या अब बढ़कर 24 हो गई। 2014 में केवल सिक्किम को ओडीएफ का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब केरल, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र भी ओडीएफ दर्जा प्राप्त करने के करीब। नमामि गंगे क्षेत्र के 1,500 से अधिक गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। दिसंबर 2016 तक गंगा किनारे के 5 राज्यों के सभी गांवों को शौच मुक्त बनाने की योजना। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। आज इस अभियान को 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 वर्षों के भीतर स्वच्छता को लेकर इस क्षेत्र में हुई प्रगति से केंद्र सरकार को उम्मीद है कि वो 2 अक्टूबर 2019 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने शनिवार को बिहार के बेतिया में किसानों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप के जरिए किसान अपनी कृषि संबंधित समस्याओं की जानकारी सीधे कृषि वैज्ञानिकों से ले सकते हैं। ये मोबाइल ऐप देहात नाम से लॉन्च किया गया है, जिसे एनजीओ ईडीएफ ने तैयार किया है जो कृषि क्षेत्र के लिए काम करती है। इस ऐप के माध्यम से किसानों के घर तक बीज और दवा की डिलीवरी की जाएगी। ऐप लॉन्च के कार्यक्रम के दौरान राधा मोहन सिंह ने किसानों को संबोधित किया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि कुछ लोग हमसे ऐसे सवाल करते हैं जैसे मोदी सरकार 10 से 20 सालों से काम कर रही है, जबकि सवाल करने वालों ने खुद 60 सालों तक राज किया है। बिहार में किसानों की बदहाली पर सवाल उठाते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य का कृषि विकास दर बढ़ रहा है, लेकिन बिहार में जात पात और मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले नेता यहां के किसानों को लूट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद उरमाल सहकारी समिति में धान खरीद घोटाले को लेकर समिति के अध्यक्ष, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर्स, चपरासी और 2 विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आपको बता दें, मामला साल 2013 का है। आरोप यह है कि समिति के लोगों ने किसानों के नाम पर बोगस धान की खरीद की। हालांकि समिति के अध्यक्ष ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। देश के भीतर रखे काले धन को कर दायरे में लाने के लिए शुरू की गई आय घोषणा योजना के तहत कुल 65,250 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को यह जानकारी दी। योजना 4 महीने के लिए खुली थी जो कि 30 सितंबर को समाप्त हो गई।
मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक आईडीएस योजना के तहत कुल 64,275 घोषणाएं की गई। उन्होंने कहा जैसे जैसे ऑनलाइन और दस्तावेज के तौर पर जमा की गई जानकारी को संकलित किया जाएगा, कुल राशि का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इन घोषणाओं में कुल 65,250 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी दी गई है। इसमें कर और जुर्माने के तौर पर सरकार को 45% राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आईडीएस योजना के तहत 2000 करोड़ से रुपए ज्यादा काले धन की घोषणा हुई है। अनुमान है कि आंकड़ा 3000 करोड़ तक पहुंच सकता है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 5000 लोगों ने इनकम टैक्स विभाग के अलग अलग दफ्तरों में इसकी घोषणा की। मध्य प्रदेश के अकेले ग्वालियर में 200 करोड़ की अघोषित आय की घोषणा हुई। बताया जा रहा है कि योजना के तहत 150 लोगों ने 4 महीने में करीब 200 करोड़ जबकि योजना के आखिरी दिन में 100 करोड़ काले धन की घोषणा की। इनमें सबसे ज्यादा संख्या सिविल कॉन्ट्रैक्टर की रही। आपको बता दें कि सरकार ने इस योजना के जरिए अवैध आय और संपत्ति रखने वालों को इसकी घोषणा करने के बाद कर और जुर्माना चुकाकर पाक साफ होने का मौका दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि आईडीएस के तहत मिलने वाले टैक्स का इसका इस्तेमाल जन कल्याण की योजनाओं में किया जाएगा। बिहार के बाढ़ रेल पुलिस प्रभारी सुरेश राम ने बाढ़ नगर परिषद के सहयोग से स्टेशन परिसर के आसपास सफाई अभियान चलाया जिसमें स्थानीय लोगों ने भी जमकर हिस्सा लिया। रेल यात्रियों को गंदगी के चलते खासा परेशानी होती है जिसके समाधान के लिए इसे बेहतर कदम बताया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाए रखने के मकसद से नगर परिषद ने कचरा संग्रहण टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर परिषद कार्यालय परिसर में नगर परिषद सभापति कविता खत्री, उपसभापति रमेश जी नगर ने हरी झंडी दिखाकर कचरा संग्रहण टैक्सियों को रवाना किया। सफाई का पैगाम देने के मकसद से राजस्थान के जैसलमेर में गुब्बारे छोड़े गए। पंचायत समिति जैसलमेर की तरफ से आयोजित इस जलसे में आला अफसर और ग्रामीण दोनों मौजूद रहे। विकास अधिकारी कंचन राठौर ने सफाई के लिए आवाम को जागरूक रहने की ताकीद की। मध्य प्रदेश के भोपाल में शनिवार को 2 दिवसीय एमएसएमई सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। भोपाल में आयोजित इस 2 दिवसीय एमएसएमई सम्मेलन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के करीब 2000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में लघु और कुटीर उद्योगों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधियों को चुनौतियों से निपटने के सुझाव दिए जाएंगे। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमरदीप सिन्हा शनिवार को एक दिन के छतरपुर दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने खैरी ग्राम पंचायत का जायजा लिया और पंचायत में चल रहे मनरेगा के कार्यों की जानकारी ली। एक दिवसीय दौरे के दौरान अमरदीप सिन्हा ने ग्राम खेरी में आजीविका मिशन के तहत संचालित महिला समूहों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं में आए बदलाव की उन्होंने जमकर तारीफ की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की बैठक हुई। गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऊर्जा, वित्त और कृषि विभाग के प्रेजेंटेशन हुए। वित्त विभाग ने जीएसटी के नफा नुकसान पर प्रेजेंटेशन दिया। राजस्थान के बीकानेर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निःशुल्क दवाई जांच योजना के तहत मौजूदा सरकार अब मरीजों को दवाई नहीं बल्कि जहर पिला रही है और इससे इनका स्वास्थ्य खिलवाड़ हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक चाय बेचने वाले झोला छाप डॉक्टर की गुमटी पर छापा मारा। टीम ने कार्रवाई करते हुए हजारों दवाइयां जब्त की। कार्रवाई के दौरान झोला छाप डॉक्टर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर ने गुमटी पर दवाइयों का बोर्ड देखा जिस पर डॉक्टर पी के राज का नाम लिखा हुआ था। टीम ने कार्रवाई की लेकिन गुमटी में कोई भी मौजूद नहीं था। टीम ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सारा सामान अपने कब्जे में लिया। जांच टीम की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि आरोपी शख्स पिछले 1 महीने पहले तक इस गुमटी में चाय की दुकान चलाता था लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसने इस गुमटी को हेल्थ क्लिनिक में तब्दील कर दिया। कहा जा रहा है कि आरोपी शख्स न सिर्फ इलाज करता था बल्कि इंजेक्शन लगाना और हाथ पर स्लाइन लगाने का काम भी करता था।